डेली व्लॉग्स यहीं पे एंड करते हैं। ओवर टू यू। जी तो नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ कि आपको 6 दिन इसने पकाया। अपनी बातों से पता नहीं क्या बोलता रहा हूँ, लेकिन नई इन्फॉर्मेटिव बातें भी थी और मुझे पता है कि इसने कुछ कुछ हमारे फैंस की जो आई थिंक कमेंट्स आए हुए थे उनके जवाब भी दिए। बहरहाल आई एम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई थिंक इट्स द लास्ट टाइम आई वॉज इन द व्लॉग, दैट वॉज बैक इन अक्टूबर लास्ट ईयर। महीना चल रहा है, मैं पिछले साल अक्टूबर 2022 की बात कर रही हूँ जो लास्ट ब्लॉग किया था। तो खैर, जिंदगी का नाम है ऊपर और नीचे, कुछ चीज़ें रोलर कोस्टर की तरह चलना, तो चीज़ें होती रहती हैं। बट फाइनली आई एम बैक ऑन माय फीट, बैक ऑन ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बस सबको खैर आफियत रखे। तो आज हम लोग जो है जा रहे हैं लो जी भाई, हम आ गए हैं यहाँ पे। आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि मुझे खक कुछ नज़र नहीं आ रहा, धूप इतनी है यहाँ पे। नूबी सेंटर है ये। हम पहले सामान ले चुके हैं, सामान हम ले चुके हैं, लेकिन वहाँ वीडियो नहीं बना सकते थे। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे इतनी कॉम थी कि मैं मोबाइल निकालता तो कहाँ कहाँ से मुँह छुपाता, क्योंकि अब जाहिर सी बात अच्छा नहीं लगता कि लोगों के बीच में आप मोबाइल निकाल लो और वो फिर मेरे पे कोई कल को कोई केस हो जाता कि भाई हमारी तस्वीरें ले ली हैं। तो ये है नूरबी और ये स्वीडन में बहुत बड़ा सेंटर है, अंदर दिखाते हैं आपको। आगे देखो वरना दीवार पे चिपकी हुई होगी।
यहाँ पे जो है आपको फूड कोर्ट वगैरह मिल जाएगा पाकिस्तान की तरह, बस ये कि बहुत ज़्यादा हलाल खाना इतना नहीं मिलता यहाँ पे। उसे बोल रहा आवाज़ जा रही हूँ आ जाएगी, मैं ज़्यादा चीखे नहीं मार सकता इतना तो जोर से बोल रहा बेचारे और क्या मतलब तुम्हारे बहुत मुशक्कत हो रही है यहाँ पे आज, कभी इस एंगल से बच्चा निकल आता है कभी उस एंगल से बच्चा निकल आता है। आगे दिखाएं, ये है बच्चों, यहाँ पे आपको अंदर कैंडीज हेवन मिलेगा, बेशुमार कैंडीज। अभी टाइम है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस सेंटर में अपनी बीवी और बेटी को मत लेकर आना कभी भी, वरना मेरा और हमजा वाला हाल हो जाएगा आपका भी। गर्मी शदीद और हम वेट कर रहे हैं और वो वहाँ पे माँ बेटे हैं एक दूसरे को, ओह माय गॉड ये कलर आपके बहुत सूट करेगा। तो या एक एडवाइस है आपको मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे देखना चाह रहा था कि तुम्हारा चॉकलेट्स और कैंडीज को देख के रिएक्शन क्या होगा। These are all candies. Fish. Talking candy for me. Zabardasti. Yeah. आप जो मेरे पीछे सब जगह देख रहे हैं ये बहुत मशहूर और क्या कहते हैं ज़बरदस्त एक जगह है। इस वक्त हम लोग स्वीडन के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं जिसका नाम है स्वीनसुंद और ये वो फेमस ब्रिज है। इसकी ख़ास बात क्या है, इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पे बॉर्डर है स्वीडन और नॉर्वे का, इधर आपको कोई पुलिस कोई क्या कहते हैं टोल प्लाजा नथिंग एट ऑल, टोल प्लाजा है लेकिन वो थोड़ा आगे करके, बट इस ब्रिज के बीच में एक लाइन है जिसमें स्वीडन और नॉर्वे लिखा हो, दैट्स इट। ये ज़बरदस्त बात है कि आप यहाँ पे कभी भी और कोई टेंशन के बगैर आ सकते हैं। तो ये व्यू आप देखें अगर सबसे ब्यूटीफुल व्यू, अगर आप उधर विंटर में आओ या समर में आओ, विंटर में यहाँ पे आपको ऑब्वियसली बात है ग्रीनरी नज़र नहीं आएगी और ठंड होती है, और ग्रीनरी इस वक्त आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का मौसम हुआ हुआ है। हम एक दफ़ा नीचे भी गए थे ना यहाँ पे किसी को मिलना, तो ये कि अपना वो इट्स रियली ब्यूटीफुल फुल ऑफ नेचर। ये है वादियाँ, ये है मेरे बच्चे और ये है मुझे कभी ना छोड़ने वाला मेरा साया। And now I hand it over to you.
ओके आर यू डन नो नो एक नेचुरल अल्लाह ने वो बनाया है ना एक बॉर्डर एक दरिया बीच दो मुल्कों के बीच में वो बिल्कुल उस बॉर्डर उस दरिया के उस किनारे वो नॉर्वे का हिस्सा है और इस दरिया के इस किनारे ये स्वीडन हम इस वक्त स्वीडन पे खड़े हैं हम इस वक्त स्वीडन के किनारे में खड़े हैं और बस एक नदी पार वहाँ पे नॉर्वे अभी गाड़ी मैंने वहाँ पार्क किया और यहाँ से इस रोड पे हम जाएंगे बीच में एक लाइन आएगी और वहाँ पे लिखा होगा वेलकम टू नॉर्वे। हाँ जी अब वापसी का रास्ता हमने स्टार्ट कर लिया पोस्टों के लिए रवाना हो चुके हैं व्यूज़ आपने देख लिए हैं कि कितने ज़बरदस्त थे इस वक्त टेम्परेचर 24 डिग्रीज हो रहा है और मौसम बहुत ज़बरदस्त है लेकिन बच्चे जो हैं इस वक्त थक वक गए हैं और हम भी थक गए हैं तो बस अब जाने का वक्त हुआ है तो हमने कहा आपको टाटा बाय बाय कर लें आज का ट्रिप जो है बहुत अच्छा रहा बहुत अच्छे बाद हम निकले हैं और सारे चारों निकले हैं जैसे मैंने पहले शुरू में ही कहा था कि हम अमूमन जो है से दोनों ही जाते हैं हम सामान बस लेके आते हैं बच्चे कम ही जाते हैं और वाकई बहुत थकावट हो जाती है और साथ में बहुत रश है दुकान के अंदर इसलिए हम दुकान के अंदर ज़्यादा बना भी नहीं सके किसी चक्कर में कि देयर वाज टू मच रश तो बहरहाल मज़ा आया और बड़े अरसे बाद एक व्लॉग बनाने का भी मौका मिला हमें बस एक अच्छा रीज़न चाहिए होता है व्लॉग बनाने के लिए तो हमने सोचा आज मानी का 7th व्लॉग डे और साथ में हमने जाना ही था तो या तो अंटिल नेक्स्ट टाइम सब लोग अपने अपने घरों में अपने अपने मुल्कों में सही सलामत रहें अल्लाह खैर आफियत रखे इंशाल्लाह एंड आमीन सबके लिए दुआएं हैं पूरी दुनिया में ख़ासतौर पे हमारे मुल्क के लिए हमारे हालात के लिए और सब सब लोगों के लिए